यानी 21 अगस्त दलित और आदिवासी संगठनों और विभिन्न संगठनों के द्वारा भारत बंद का जो आह्वान किया गया था उसका प्रदर्शन अपने देश के विभिन्न राज्यों और हिस्सों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सभी दलित और आदिवासी संगठनों के लोग आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान कर चुके थे, उसी का प्रदर्शन वह सभी कर रहे हैं। इसका मिला जुला असर विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल रहा है। हमारे पास जो खबरें आई हैं उसमें हम आपको बिहार के मुंगेर की बात बताने वाले हैं, जहां अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है वह भी मुंगेर में देखने को मिला। इसी कड़ी में असरगंज की अगर हम बात करें तो भारत बंद का असर यहां भी देखने को मिला है। असरगंज पुलिस विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौक चौराहों पर सुबह से ही अलर्ट मोड पर है। आरक्षण में क्रीमी लेयर हटाने के विरोध में एससी एसटी के संगठन के द्वारा सुल्तानगंज देवघर के मुख्य मार्ग के प्रखंड कार्यालय के समीप सड़क पर उतरकर जाम किया गया और नारेबाजी भी करी गई। जाम में कांवड़ियों की गाड़ी कुछ देर के लिए फंसी रही। वहीं आपको बता दें थानाध्यक्ष शिव अमृत प्रकाश कौशल, अंचल अधिकारी उमेश शर्मा, बीपीआर ओ अमित कुमार, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी चंद्र प्रकाश, एएमओ लोकेश ठाकुर जाम स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम रुकवाया। मौके पर विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल भी तैनात है। देखिए एक रिपोर्ट। जो भारतीय संविधान में जो हमें मूल अधिकार दिया है इससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। हम समतामूलक भाईचारा बराबरी बंधुता हम लोग जिस तरह से आज़ादी मिला है आज़ादी के साथ हमको मिले, और हमारा जो आज माँ बहनों और दुनिया का जो बलात्कारी हो रहा है मेरे समाज दलित में ये जो है रुकना चाहिए सर। और हमारा जो मांग है हम लोग शांति का संदेश दे रहे हैं आप लोगों को, और हम समतामूलक और बराबरी का हक चाहिए, मेरे संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उदय कुमार दास। कोर्ट जो ये क्रिमिनल लेयर लागू किया है एससी एसटी में वर्गीकरण करने का जो काम किया है ये वापस ले, नहीं तो अभी तो सड़क पर हैं, संसद भी जाने का तैयारी है और जल्द ही संसद में हम लोग जाएंगे, हम लोग का जो मांग है इसको पूरा करे। केंद्र सरकार अपना प्रस्ताव लाए लोकसभा में और इसको जो है वापस करे। और असरगंज में क्या किए? नारा लगाते हुए आए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और हम यहाँ पर थोड़ा जाम किया। अपना वापस निर्णय ले, हमारा कोर्ट हमारा वापस जो निर्णय किया है वो निर्णय वापस ले। क्या नाम है? दिलीप कुमार। आप लोग आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, यह हम लोगों को बर्दाश्त से बाहर की बात है। जो हक अधिकार हम लोगों को दिया गया है बाबा साहब के द्वारा यह हमेशा लागू रहे, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ रोड पर है और आगे भी जारी रहेगा यदि सुप्रीम कोर्ट इसको वापस नहीं लेती है। क्या नाम? कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग विभिन्न गांव से हैं, असरगंज से, असरगंज पूरे असरगंज प्रखंड के लोग हैं। क्या नाम है आपका? नाम मनोरंजन पासवान हुआ मेरा।